नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में, कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं, चाहे यूपी की बात हो चाहे बिहार की बात हो, ठीक है, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। फॉर्म की बात करें, फॉर्म आपका मार्च फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा, 10 तारीख से पहले संभावना 100% की आपका फॉर्म जो है वो आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक, आपको भी पता है जनरल हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, सामान्य ज्ञान आता है, सब्जेक्टिव पेपर आता है, टीचिंग थोड़ी सी एबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और बुक्स के बारे में बात करें, बुक्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताई होगी, इतनी सारी बुक्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वीडियो को स्किप करके मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डालने जा रहे हैं और आपको कंप्लीट क्लास चाहिए, कंप्लीट क्लास, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो वन वीक के बाद कह सकते हैं, आज तारीख कितना है, आज तारीख है 23 तारीख है, तो यानी कि मैं वन वीक की बात क्या करूं, मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड के लिए कोशिश कर रहा हूं, डिजिटल बोर्ड। ठीक, यहां पे पूरी तरीके से डिजिटल बोर्ड होगा और उससे आपको क्लास करा सकूं, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट एमसीक्यू, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, ये तरीका होता है बेहतर पढ़ने का। तो उसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक, दोनों में जुड़ जाना, जिससे जब भी क्लास स्टार्ट हो आपको पता चल जाए। और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे अगर जो आप एकदम सीरियस हो कि इस बार आपको ये गवर्नमेंट एक सीट लेनी है तो। ठीक, चलिए खैर हम बात कर लेते हैं क्या क्या बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए जो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए अगर जो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करें, क्या कोई एक गाइड आती है, क्या कोई कंप्लीट बुक आती है जिससे क्या मैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? मैं कहूंगा हाँ आती है, लेकिन आपको ऐसे ही बीएड एग्जाम देना है, आपको आसपास वाले प्राइवेट कॉलेजों में आपको आपको एडमिशन लेना है तो आप गाइड ले सकते हो। जैसे आपको मैं कुछ गाइड दिखाऊं, तो हमारे पास एक गाइड ये है, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ये कंप्लीट बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आपको आपको प्रिपरेशन कराएगा। एक हमारे पास चक्षु पब्लिकेशन का है, बीएड कंप्लीट वन ईयर का, मतलब कंप्लीट गाइड का वर्क है, दोनों आर्ट वर्क का है, इसमें आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा, मैथ भी मिल जाएगा, थ्योरी भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या इस दोनों कंप्लीट बुकों को पढ़ के सरकारी सीट ली जा सकती है? मैं कहूंगा नहीं। आप बीएड के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, वैसे एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप इन भी बुक को, इनमें से कोई एक बुक लेके पढ़ सकते हो वैसे, ठीक है। लेकिन आप ये कहो कि सरकारी सीट मिल जाए इससे पढ़ के, मैं कहूंगा नहीं मिलने वाला, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको उन कॉम्पिटिशन को बीट करना है, उन कॉम्पिटिशन वालों से फाइट करना है, तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। अब देखो भाई, आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, आप हिंदी में 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में टारगेट करना है 40 आपको करके आना है, नहीं आओगे 40 प्लस आएगा, 40 क्या मैं 40 तो कम बोल दिया, 45 करके आओगे। और आपको मैं इस तरीके से चीजों को क्लास कराऊंगा कि आप 40 प्लस आराम से करके आओगे, क्यों, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे अच्छे नंबर होते हैं। दूसरा मैं बोलूंगा, रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 40 का टारगेट लेके चलना है, सरकारी सीट के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। सामान्य ज्ञान का मान लो 40 नहीं करते तो 35 या 30 का टारगेट लेके चलना ही चलना है, ठीक। सामान्य ज्ञान भी आसानी आता, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर भी अगर जो अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसमें भी आराम से 30 तक पहुंच सकते हो, ठीक। यानी कि अगर जो मैं बात करूं 40 × 80 और 80 × 60 कितना होता है, 80 और 60 कितना होता है, 180 और 60 140 गुणा जो करता हूं तो निकल के आता है 280 नंबर पे आपका 100% 280 के मान लो कम भी होता है, का गलत भी होता है, 260 प्लस भी होता है, तो आपका सरकारी सीट यहां पे फिक्स हो जाएगा, एक कंफर्म हो जाएगा, ठीक। तो ये लेके करना है, यानी कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है चाहे हिंदी हो चाहे रीजनिंग हो, वहां पे अच्छा करने की कोशिश करना है, वहां पे बेस्ट करने की कोशिश करना, अपना 100% देने की कोशिश करना है। आइए हम बुक्स की बात कर लेते हैं कि किताबें कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करें जनरल हिंदी की, आप सभी के पास लूसेंट की बुक होगी, ये वाली है ना, ये वाली। इसके अलावा लोग प्रेफरेंस करते हैं कि भाई आदित्य की बुक आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास दोनों है। ये मेरे पास इतनी सारी बुकें क्यों है, क्योंकि चीजों को कराना है आपको, आपको क्लास अच्छे तरीके से कराना है, तो इसलिए ये बुकें मेरे पास है। अब आदित्य क्यों बेस्ट है, लूसेंट क्यों बेस्ट है, ठीक। देखो
लूसेंट की बात करें सर, आप लूसेंट की बुक बताने वाले हो या आदित्य बुक बताने वाले हो, ठीक। अगर जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्या बोला मैंने, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो दोनों के आपके किसी काम के लिए, ठीक है। आप विलोम शब्द पढ़ लोगे, वाक्यांशों के लिए शब्द पढ़ लोगे, पर्यावाची रट लोगे, लेकिन जब आपको बात आएगी वर्णमाला पढ़ने की, वर्णमाला रट तो लोगे, आपको बात आएगी संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ने की, आपको बात आएगी संधि पढ़ने की, आपको बात आएगी कि भैया रस छंद अलंकार पढ़ो, तो आप झेल जाओगे भैया, तो आप समझ में आएगा नहीं, आप एमसीक्यू पढ़ के रट जाओगे, फिर एग्जाम में जाओगे भूल जाओगे। तो ये तरीका कि वर्णमाला को कैसे पढ़े, किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ये सब थ्योरी मैं आपको क्लास कराऊंगा, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, तब आपको क्वेश्चन करने। लूसेंट ठीक है, अच्छी बुक है, लेकिन लूसेंट में कम क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा आदित्य में ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, यानी कि अगर जॉब बुक लेना चाहते हो तो लूसेंट आदित्य आपके पास होनी चाहिए। लूसेंट की खास बात यह है, लूसेंट अगर जॉब बुक लगा रहे हो तो इसके पीछे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो प्रीवियस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, टेट, सीटेट, तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आप जरूर सॉल्व करना, पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हिंदी के लिए ये बुक हो गई, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं दिया था, रीजनिंग के लिए आंख मूंद के ज्यादा आपको वो नहीं करना, ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना, इसके लिए भी आप लूसेंट का जनरल रीजनिंग बुक आता है, जनरल रीजनिंग बुक आता है वो ले लीजिएगा, लूसेंट का बुक आता है, ठीक है। लूसेंट मेरे पास होगी एक बुक, मैं दिखाना चाहूंगा, वही बुक की मैं बात कर रहा था, ठीक है। कहाँ गया भाई, चलो नहीं मिल रहा है, खैर नहीं मिल रहा अभी यहाँ पे ऊपर, ठीक है। नहीं तो सामान्य एक रीजनिंग की बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। सामान्य एक नॉर्मल रीजनिंग की बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप लूसेंट की ले लीजिए, जनरल रीजनिंग लूसेंट की ले लीजिए, या एक आती है आपकी, हाँ लूसेंट की आती है, एक लूसेंट की आती है, एक अरिहंत की भी आती है, कि अरिहंत की एक अरिहंत की आती है, जनरल एक सामान्य सी रीजनिंग की बुक ले लीजिए, कोई भी दोनों में से ले लीजिए, दोनों से काम चल जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात, आपका 250-50-100 क्वेश्चन की बात, यानी कि 200 नंबर की बात, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के लिए भी आपके पास ये जो बुक है ये होनी चाहिए, इससे अगर जो आप पढ़ लेते हो तो 40 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता, प्लस अगर जो आर्ट वाले हो तो सब्जेक्टिव पेपर के भी आपके 20-25 क्वेश्चन आपके इस बुक से फट जाएंगे, यानी कि आपके 60-65-70 क्वेश्चन का आपका इसी से मटेरियल आने वाला है। मैं बार बार बोलता हूँ लूसेंट पढ़ने का एक तरीका होता है भाई, आपने थ्योरी पढ़ा उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन लगाओ, तो दोनों बुक लेते हैं। आपको अच्छी बात है, देखो भाई आप ऐसा नहीं है कि आप सरकारी कॉलेज ले लोगे तो फिर आप टीचर बन गए, सरकारी कॉलेज लोगे तो आपको मतलब पढ़े लोगे अच्छे से तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आप इस बुक से पढ़ाई करते हो, कोई भी बुक से पढ़ाई करते हो आपको आगे काम आने वाला, आपको टेट देना है, सीटेट देना है, तो कहीं पे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए किताबों को ले ली तो आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये थ्योरी हिस्ट्री इससे पढ़िए, फिर हिस्ट्री के इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आए, तो ये तरीका होगा जीके के लिए। तो जीके के लिए मैं यही बुक बताऊंगा कि भैया आप लूसेंट का ले लीजिए, लूसेंट का जीके ले लीजिए, प्लस लूसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जेब ढीला करिए, थोड़ा सा पैसा ढीला करिए, क्योंकि भैया एक बार सरकारी सीट मिल जाएगी, तो सरकारी सीट मिलने के बाद आपका कितना बचेगा भैया, 5,000 फीस होगी ना, कहाँ 55,000 होता है, कहाँ 5,000, 50,000 की बात है ना। सब्जेक्टिव पेपर की बात करें, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, बाकी जो आर्ट वाले हैं उनका लूसेंट जीके पढ़ेंगे वहां से हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट की बात करें तो दो प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, एक तो अरिहंत की प्रैक्टिस सेट है और एक है मेरे पास प्रभात पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट। कौन सी बेस्ट है, दोनों बेस्ट है, लेकिन एक काम करिए पहले अरिहंत वाला जो प्रैक्टिस सेट है इसको लगा लीजिएगा। तो अगर जो आप प्रैक्टिस सेट लेने की बात कर रहे हैं तो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ठीक। तो अरिहंत का ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, बाकी और अगर जो आप कोई बुक जानना चाहते हो, कुछ डाउट रहेगा, कोई समस्या रहेगा, ये ले सकते हो, बोल सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास की बात रहे, मैं एक वीक मंडे से स्टार्ट कर दूंगा भाई, मंडे एक मैं डेट दे देता हूँ आपको सर कब से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्योंकि आप लोग भी इंतजार कर रहे हो भाई, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने बोला है कि 500 बच्चों को जब तक मैं सरकारी सीट नहीं दिला देगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, इस बार इस 2022 में कम से कम 500 बच्चों को, ठीक। तो मंडे में आपको देता हूँ टाइम, मंडे से आपकी जो क्लास होगी स्टार्ट हो जाएगी, क्या
क्लास स्टार्ट हो जाएगी चाहे फॉर्म आए या ना आए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।